चलिए आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करते हैं रेड पम्पकिन की खीर उनमें स्पेशल। तो उसको बनाने के लिए हमें शक्कर चाहिए, रवा, और हमने रेड पम्पकिन जो उसको ग्रेट कर लिया है, किशमिश, काजू, कोकोनट पाउडर एंड बादाम और पिस्ता बादाम कतरन, इलायची और घी और मिल्क। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। थोड़ा सा घी लिया हमने, इसमें 50 से 60 ग्राम घी है। हमने 200 ग्राम समथिंग रवा लिया है और करीब 50 से 60 ग्राम घी, और इसको सेक लेंगे ना तो क्रीम हमारा कच्चा कच्चा लगेगा। जिस तरीके से हम हलवे के लिए सेकते हैं उससे थोड़ा सा कम सेकेंगे, और फिर इसके अंदर हम मिल्क डालेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे और आज की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ में। उससे पहले कि आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करते हैं रेड पम्पकिन की खीर उनमें स्पेशल। तो उसको बनाने के लिए हमें शक्कर चाहिए, रवा, और हमने रेड पम्पकिन जो उसको ग्रेट कर लिया है, किशमिश, काजू, कोकोनट पाउडर एंड बादाम और पिस्ता बादाम कतरन, इलायची और घी और मिल्क। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। थोड़ा सा घी लिया हमने, 50 से 60 ग्राम घी है। हमने 200 ग्राम समथिंग रवा लिया है और करीब 50 से 60 ग्राम घी, और इसको सेक लेंगे ना तो क्रीम हमारा कच्चा कच्चा लगेगा। जिस तरीके से हम हलवे के लिए सेकते हैं उससे थोड़ा सा कम सेकेंगे, और फिर इसके अंदर हम मिल्क डालेंगे। चलिए हमारा रवा सिक चुका है और हम इसमें हम मिल्क मिलाएंगे। करीब हम 3 लीटर की बना रहे हैं, आप लोग जिस क्वान्टिटी में बनाए उस क्वान्टिटी से ले लें। और हमने 3 लीटर का बना रहा है तो हमने इसमें करीब 200 ग्राम सूजी ली है, और मिल्क डालेंगे अब, और इसको अच्छे से पकाएंगे और आप लोगों को दिखाते हैं। इसके अंदर हम कद्दू को हमने लिया रेड पम्पकिन ग्रेट करके वो डाल देंगे, किशमिश डाल देते हैं और किशमिश डालेंगे, और कद्दू डाल देंगे, ये जो हमने ग्रेट करा हुआ है पम्पकिन रेड पम्पकिन, और इसको अच्छे से पकाएंगे और उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। करीब इसमें हमने डबल लिया है सूखी रवा का, हमने 200 ग्राम लिया था तो ये हमने 400 ग्राम लिया है पम्पकिन। तो पम्पकिन के लिए अच्छे से ग्रेट कर लेना है, और सूजी अगर हमने 200 लिया है या सूजी रवा तो पम्पकिन हमें 400 ग्राम लेना है। और अब हम इसके अंदर अच्छे से पक जाएगा, फिर शक्कर डालेंगे और सबसे लास्ट में इलायची पाउडर डालेंगे। चलिए एक खीर हमारी पक रही है और पक जाती है फिर आप लोगों को दिखाते हैं। पक चुकी है और इसमें हम थोड़ा सा दूध मसाला डालेंगे, इसमें इलायची पाउडर और वो सब मिक्स होता है तो बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा एक हमने जरा सा इलायची पाउडर भी डाला साथ में, और चलिए हमारी खीर कंप्लीट। अब आप लोगों को गार्निशिंग करके हम दिखाते हैं। आप इसको ठंडी भी खा सकते हैं, गर्म भी खा सकते हैं, रेड पम्पकिन की खीर, और रवा रेड पम्पकिन की खीर भी बोल सकते हैं। और काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, और काफ़ी सादी सिंपल रेसिपी है। तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो कर ही लें। चलिए खीर हमारी रेडी, हम गार्निशिंग करके दिखाते हैं। आप इसको ठंडी भी खा सकते हैं और गर्म भी खा सकते हैं। तो चलिए हमारी खीर कंप्लीट, और इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं, और रवा रेड पम्पकिन खीर। और हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।